हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार मेडिकल काउंसलिंग अभी चल रहा है, ठीक है। आज दूसरा दिन था, लेकिन अभी जो है सिर्फ पहले दिन जो सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और NRI कोटे की काउंसलिंग हुई थी, उस दिन भी 2-3 सीट जो था अनरिजर्व कैटेगरी का, EBC का और EWS का घट गया था। तो क्या है कि अदर कैटेगरी का सीट जो है बिना काउंसलिंग के कैसे घट जा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज काउंसलिंग का दूसरा दिन था, सीट मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है। ये सीट मैट्रिक्स 12 बजे तक का है, ठीक है। 2 बजे की जो काउंसलिंग हुई है उसका सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। 2 बजे की काउंसलिंग तक, जहां तक है कि अनरिजर्व का जो सीट है वो टोटल सीट खत्म हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं जो पहले सीट मैट्रिक्स थी उसको भी मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं पहले जो मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आया था, जिसमें गवर्नमेंट MBBS का अनरिजर्व का 43 सीट खाली था, ठीक है। EWS का 14 सीट खाली था, EBC का 8 सीट खाली था, टोटल 76 सीट खाली था, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये है कल का काउंसलिंग का, ठीक है। ये 5 तारीख के काउंसलिंग का है, जिसमें कि अनरिजर्व का 9 सीट बचा था। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अनरिजर्व का 9 सीट बचा था, EBC का 6 सीट था, ठीक है, RCG का 1 सीट, EWS का 6 सीट, ठीक है। लेकिन आइए आज के काउंसलिंग का है, ठीक है स्टूडेंट। 9 सीट ये 12 बजे तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जा रहा है कि जैसे कि अनरिजर्व की पहले दिन काउंसलिंग नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको मेरिट लिस्ट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखते हैं पहले दिन जो था वो 5 तारीख को काउंसलिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिख माइनॉरिटी, NRI कोटा, डिसेबल कोटा की काउंसलिंग थी, ठीक है। आज जो था वो अनरिजर्व की काउंसलिंग थी 10 बजे से, फिर 2 बजे से अनरिजर्व की काउंसलिंग थी। तो आज जो है कुछ सीटें फुल हुई है, सीट मैट्रिक्स शाम में आएगा, ठीक है। कल जो है 7 को भी अनरिजर्व की काउंसलिंग है, ठीक है, 7 को अनरिजर्व की काउंसलिंग है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ, 8 तारीख को भी अनरिजर्व की काउंसलिंग है, ठीक है स्टूडेंट। 8 तारीख को भी अनरिजर्व की काउंसलिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 तारीख को भी अनरिजर्व की काउंसलिंग है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 9 को भी अनरिजर्व की काउंसलिंग है, 9 को अनरिजर्व की काउंसलिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व सारे जो है वो अनरिजर्व की काउंसलिंग है, 9 को भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, सॉरी आपको नीचे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए 10 तारीख को ST की काउंसलिंग है, ठीक है। 10 तारीख को ST की काउंसलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये भी अनरिजर्व है, 10 को भी यहाँ पे देखिए 10 तारीख को 10 बजे से ST की काउंसलिंग है, SC की काउंसलिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए EBC की काउंसलिंग है 10 तारीख को ही, ठीक है, 10 तारीख को ही 10 बजे से EBC की भी काउंसलिंग है, ठीक है। उसके बाद BC की भी काउंसलिंग 10 तारीख को ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आपके रैंक कार्ड पर 3 रैंक होगा, ठीक है। आपका जो रैंक कार्ड आया होगा उस पर 3 रैंक होगा, एक तो ऑल इंडिया का रैंक होगा, ठीक है, आपका एक BCC का अनरिजर्व रैंक होगा, एक कैटेगरी रैंक होगा। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है ना कि जिस स्टूडेंट का ज्यादा नंबर है, ठीक है, वो कैटेगरी रैंक से फॉर्म फिलअप किए थे, उनको क्या कर रहा है कि अनरिजर्व रैंक में डाल दे रहा है, ठीक है, अनरिजर्व रैंक से उनको सीट अलॉट कर दे रहा है, ठीक है, जिनका ज्यादा नंबर है आपसे ज्यादा। मीन्स क्या कि जिनका अनरिजर्व में रैंक आया है, अनरिजर्व में जिनका पहला दूसरा रैंक है, जिनका एडमिशन हो रहा है, उनसे मिलता जुलता रैंक अगर इनका है तो उनका अनरिजर्व रैंक से एडमिशन जो है वो हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से अदर जो कैटेगरी है, अनरिजर्व रैंक हो, कैटेगरी रैंक हो, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 2-3 कैटेगरी में रोल नंबर जो है वो मैच कर गया है, तो इस तरीके से उनका जो है सीट फुल कर दिया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मेरिट लिस्ट में या काउंसलिंग में गड़बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। रैंक के बेस पे, नंबर के बेस पे ही काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, नंबर को ध्यान रखते ही काउंसलिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 आज अनरिजर्व की काउंसलिंग थी, ये 12 बजे तक का अपडेट है। अनरिजर्व की 9 सीटें बची थी, BC की 4 सीटें, RCG 1 सीट, EWS का 6 सीट है, ST का 1 सीट बचा है, SC का 1 भी सीट नहीं बचा है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से प्राइवेट कॉलेज में आप देख सकते हैं 445 सीट बचा है, NRI कोटा का जो भी सीट है 133 सीट बचा है, टोटल 23 सीट बचे हैं, ठीक है स्टूडेंट। BDS के 2 सीट बचे हैं, उसके बाद BDS के 130 सीट बचे हैं, गवर्नमेंट का 2 सीट बचा है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं BDS दरभंगा में 9 सीट है, यहाँ पे NRI कन्वर्टेड सीट है,
बीडीएस एमएम मुस्लिम माइनॉरिटी कन्वर्टेड है, वेटनरी साइंस में 19 सीट बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 12 लाख का डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाना है, तभी आपका एडमिशन जो है वो होगा। अगर मेरिट लिस्ट के बाद जो स्टूडेंट मॉपअप राउंड में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कर पाए थे, जिनको एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में जो है सीट फुल नहीं होता है तो कॉलेज के द्वारा जो होगा वो एडमिशन लिया जाएगा। तो आप स्टूडेंट क्या करें ना कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार के एक्सपर्ट का नंबर है, आप उनसे बात करते रहें, उनसे टच में रहें, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया में कहीं भी, तो आप हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आप जस्ट नीट क्वालिफाइड हैं या बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर 80 नंबर है आपका नीट में, तो आपका प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं और बीएमएस करते हैं प्राइवेट से, तो अमूमन जो है वो फी स्ट्रक्चर सेम होता है। बिहार में बीएससी नर्सिंग का 7 से 8 लाख रुपया फी है, और बीएमएस की बात करें तो वही 12 से 13 लाख में आपका हॉस्टल प्लस कोर्स फी जो है वो हो जाता है। तो बीएससी नर्सिंग से बेहतर जो है आप बीएमएस कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, किन्हीं के मन में अभी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का, कॉल का लिंक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आप सबको काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड फास्ट अपडेट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो है अदर कैटेगरी को किसी और कैटेगरी को दे दिया जा रहा है। तो ये नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तीनों कैटेगरी में रोल नंबर मैच कर जा रहा है, तो जिस कैटेगरी की काउंसलिंग हो रही है, जहां पर उनको फिट बैठ रहा है, पहले वो जा रहे हैं वहां पर, उनका सीट, उनको जो सीट जो है वो अलॉट कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।